because this is my first experience in all, before all of you. You are so experienced and all that. And I would extend my thanks to the whole management of this school, respected principal ma'am, respected vice principal sir, and my dear colleagues. Today, I am going to start a very interesting topic, that is child psychology. And why I have chosen this topic, the great relation between this topic to us, because we are parent as well as teacher. We spend a lot of our time with children, either in school or at our home. So this topic is very relatable to us. You can relate with your life, with your kids, as well as with your students. So, first of all, we will try to understand what is psychology. Psychology means scientific study of mind and behavior of anyone. We will talk about psychology. जब भी psycho की बात करते हैं, psycho आपने कई बार term use किया होगा psycho. What is this meaning? What is the meaning of this word? Psychology meaning scientific study of mind as well as behavior. So when we talk about the child psychology, this point, obviously this is related to children. So the branch of psychology that deals with the study of, that is branch of traditional psychology, which focuses only on studying of child psychology, that is focuses on children, their behavior, their mind, their social emotional interaction with our environment. What is the point? So we are very close to students, we are very close to our children. So we need to know about our children. हमें जानने की जरूरत है, हमें ये समझने के साथ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी किसी बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है, वो उसकी अपब्रिंगिंग का ग्रेट इंपैक्ट होता है कि कैसे एडल्ट हो बनेंगे, बड़े होंगे. सपोज कि एज ए पेरेंट हमने उनकी अपब्रिंगिंग कैसे की है, ये सारी चीजें उनके एडल्टहुड पे डिपेंड, उनका एडल्टहुड उसको रिफ्लेक्ट करता है. सो चाइल्ड साइकोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. नाउ व्हाट इज चाइल्ड साइकोलॉजी और कहां किस एज तक समझने की एज होती है, लाइक किस एज तक इस ग्रुप, किस एज पीरियड को इस चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. तो फ्रॉम द मदर्स होम टू टेन 18 इयर्स, मतलब माँ के पेट में जब बच्चा होता है तब से टेन 18 इयर्स, जिसको कि हम लोग टीनेजर्स कहते हैं. बीइंग अ मदर ऑफ टू टीनेजर्स, मैं दो बच्चों की माँ हूँ, एंड अ टीचर ऑफ सेम एज ग्रुप, लाइक मैं पढ़ाती हूँ एक नाइन टीचर जो बच्चों को, जो कि टीनेजर्स ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो उनके साइकोलॉजी को समझते हुए, दिस इज वेरी नेसेसरी, दिस इज वेरी, वी मस्ट नो देयर साइकोलॉजी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम पॉइंट्स, लाइक डेवलपमेंट बिगिंस व्हेन द चाइल्ड इज स्टिल इन हिज मदर. जैसा मैंने बताया, माँ के पेट से बच्चों की सीखने की शुरुआत होती है. लाइक अगर वी लेडीज आर प्रेग्नेंट, दैट वी नो कि कब बच्चे को, बच्चे में कितना डेवलपमेंट है, वी कैन टेल द डॉक्टर्स. तो हम उस टाइम से बता देते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट है और बच्चा सही डेवलप कर रहा है कि नहीं. फ्रॉम दैट टाइम ऑफ, उस समय से बच्चे के डेवलपमेंट की शुरुआत होती है. एंड देन चाइल्ड हुड कंटिन्यूज टिल द एज टू 12 ईयर्स. अगर चाइल्ड हुड की बात करें, वो 12 ईयर्स तक आप उसको कह सकते हैं. देन आफ्टर वी कैन से दैट इज ऑल्सो नोन एज एडोलेसेंस. देन आफ्टर 18 तक, जिसको कि आप लोग टीन एज में कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो सीनियर टीचर्स हैं या जो भी हैं जो डील करते हैं
13 to 18 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए दैट इज वेरी चैलेंजिंग। तो ये एज ग्रुप के साइकोलॉजी को माइंड को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब आप जाकर उनके साथ नए जमाने के बच्चों के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप कहीं और होंगे, बच्चे कहीं और होंगे। देन आफ्टर बिटवीन द एज ऑफ 12-18 ईयर्स एडोलेसेंट एज, ये तो सारी जानी पहचानी बातें हैं आपकी, आप सब जानते हैं इस बारे में, बट पॉइंट मस्ट बी डिस्कस हियर। देन चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडी ऑफ चाइल्ड, द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन ऑफ टाइम, जैसा मैंने बताया जब मदर कंसीव करती है तब से बच्चों के बारे में सोचा जाने लगता है, बच्चों के परवरिश के बारे में सोचा जाने लगता है कि किस तरह से मैंने मुझे अपने बच्चों को माहौल देना है सो दैट आई कैन ग्रो अ वेरी नाइस सिटीजन फॉर दिस कंट्री और फॉर दिस वर्ल्ड। देन आफ्टर द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट इमर्जेस फॉर द स्टडी ऑफ दिस डेवलपमेंट इज दैट इट इज ड्यूरिंग दिस पीरियड द फाउंडेशन ऑफ लेटर एडल्ट लाइफ आर लेड। जैसा मैंने बताया बचपन में हम जैसा संस्कार देंगे वैसे ही बड़े होकर बच्चा रिएक्ट करेंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया था। इसका बहुत तरह से मैंने आगे समझाने की कोशिश की है, शायद आपको अच्छा लगेगा। देन दिस इज द एज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किस चीज का ग्रोथ और किस चीज का डेवलपमेंट, ऑब्वियसली फिजिकल ग्रोथ भी आपको देखना है एंड मेंटल ग्रोथ भी आपको देखना है। मेंटल ग्रोथ इन द सेंस कि क्या बच्चा स्कूल जा रहा है, क्या उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है वहाँ के एनवायरमेंट को, क्या फिजिकली वो ठीक है या मेंटली उसको कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, ये सारी चीजों को स्टडी करना है। तो दिस इज सच अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक। इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, क्या है इम्पॉर्टेंस इसका? जैसे मैंने बताया कि हम लोगों का बहुत सारा टाइम बच्चों के साथ बीतता है, चाहे स्कूल हो चाहे घर हो, और ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, लाइक 13-18 में, ये समझना जरूरी है। ऑफकोर्स इन्फेंट टू 12 ईयर्स तक बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी देखना जरूरी है, बट जब हम एडोलेसेंट की बात करते हैं दैट लीव्स अ ग्रेट इम्पैक्ट। उनके अपब्रिंगिंग का जो तरीका होता है वो उनके एडल्टहुड पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों हमें चाइल्ड साइकोलॉजी समझनी चाहिए, इस पॉइंट पे आते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट, एज ए टीचर मैं भी बात कर रही हूँ, अभी एज ए पेरेंट मैं बात नहीं कर रही, अभी मैं स्कूल की बात करूँ, एज ए टीचर बात कर रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट, ऑब्वियसली आपको स्टूडेंट को समझना होगा, क्योंकि आप क्लासरूम में जब भी एंटर करते हो डिफरेंट मेंटेलिटीज के बच्चे बैठे रहते हैं, कोई एक मेंटेलिटी का बच्चा, इवन आपके अगर दो या तीन बच्चे हैं जिसकी परवरिश आपने बचपन से एक जैसा किया है, फिर भी दोनों के मेंटेलिटी में, दोनों के थॉट प्रोसेस में, दोनों के बॉडी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, हर चीज में आपको डिफरेंस दिखाई देता है। पहले वाले से बिल्कुल दूसरा डिफरेंट होता है, कई बार आप परेशान हो जाते हैं, मैंने दोनों को सेम वैल्यूज दिखाई, क्या हो गया, दूसरे ने क्यों नहीं अडॉप्ट किया। जब आप क्लासरूम में एंटर करते हो तो वहाँ तो और अलग तरह के बच्चे बैठते हैं, 40-45 बच्चे और 50 बच्चे, जितने बच्चे बैठे हैं उनको अलग तरीके से समझना, ये आपको चाइल्ड साइकोलॉजी बता देगा। अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी को अच्छे से स्टडी करके जाएंगे, फिर क्या आता है पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग में। ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो आपको अलग अलग टीचिंग मेथड लगाना होगा, लाइक छोटे बच्चे हैं, अगर केजी में कोई बच्चा आ गया, जैसे किसी बच्चे का इंटरव्यू हुआ, ऑफिस में गया वो बच्चा, इंटरव्यू हुआ तो क्वेश्चन पूछा, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, कुछ बच्चों ने बड़ा ही अच्छे से कॉन्फिडेंस से उसका बता दिया आंसर, कुछ बच्चे जान रहे थे बट ड्यू टू शाइनेस वो बता नहीं पाए, बट दे न्यू द आंसर, और कुछ बच्चे सच में नहीं जानते थे कि क्या आंसर है। ऐसे में जब आपने बच्चे का एडमिशन लिया एट दैट टाइम
बिकॉज ये बच्चा आंसर नहीं कर पाया, या तो ये शाय है या ये जान नहीं रहा है। दोनों कंडीशन में शाय वाली बात आई। मैम ने एक लास्ट में पॉइंट रखा था कि हमें अपने आप को खुद सुधारना होगा। मैं यहाँ खड़ा होने से पहले बहुत घबरा रही थी, मुझे बहुत सारे मैम से कर दिया कि मैम कह दूँ। मुझे याद आ रहा है कि मैं क्लास थर्ड में स्कूल में मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिला, मुझे पोएम रिसाइट करना था। मैंने अपना नाम बताया था, आफ्टर रिसाइटिंग द टू लाइंस आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इज दैट पोएम एंड आई वाज स्टार्टिंग क्राइंग ऑन द स्टेज। वो दिन था और आज का दिन मैं यहाँ बोल रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ। इनिशियली मैं बहुत डर गई थी, तो चाहे वहाँ पे जो मैंने किया कहीं ना कहीं मेरे अपब्रिंगिंग में आइदर माय टीचर्स और माय पेरेंट्स कहीं ना कहीं किसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश किया एंड ऑफकोर्स यहाँ पे तो लोग बैठे हुए हैं जिनकी वजह से मैं हिम्मत कर पाऊँ। तो ये बच्चों का मेंटालिटी कैसा है ये समझने में चाहे साइकोलॉजी हेल्प करता है कि यू कैन डू मच बेटर, यू हैव एबिलिटी, यू हैव कैपेसिटी। ये चाइल्ड साइकोलॉजी हेल्प करता है। देन आफ्टर इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम, व्हाट इज करिकुलम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड आई विल लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट इज करिकुलम? तो आप ये भी बताएंगे कि सिलेबस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस आर डिफरेंट, लाइक केजी का सिलेबस कुछ और होता है, वन का सिलेबस कुछ और होता है, टेन का सिलेबस कुछ और होता है। तो जिस लेवल के बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग करिकुलम, तो जैसे आजकल सबने बताया, मैम ने विंटर सेमेस्टर का दिया था कि 21st सेंचुरी के बच्चे हैं काफ़ी, तो उनके अकॉर्डिंग करिकुलम हम लोग को डिसाइड करना होगा कि बच्चों को हमें पढ़ाना नहीं है, बच्चे जो जान रहे हैं उसको हमको शेप करना है, उनके नॉलेज को एनहांस करना है। तो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए, लाइक एक्टिविटी बेस्ड स्टडीज जो भी है उसको हमको एनहांस करना होगा। ये चाइल्ड साइकोलॉजी बताता है हमें कि क्या करना है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग, किस तरह का बच्चा कैसा है उसके अकॉर्डिंग उसका इवैल्यूएशन हुआ। सडनली अभी सजेशंस सर लोगों ने दिया था कि कुछ जो या मैम ने बोला जो बैड टीचर्स हैं उनको उसके अकॉर्डिंग समझाना होगा, सो दैट क्लास में उनको इंटरेस्ट डेवलप हो। वो कैसे होगा? वो जब हम इवैल्यूएशन करेंगे, जब उनका टेस्ट लेंगे, देन आफ्टर वी विल एबल टू नो कि दैट चाइल्ड इज वेरी पुअर, दैट चाइल्ड इज इंटेलिजेंट, देन आफ्टर वी कैन इवैल्यूएट देम और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे उस पर्टिकुलर बच्चे के स्टडीज पे हम ध्यान दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डायग्नोसिस एंड सॉल्यूशन ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम। व्हेन यू एंटर द क्लास व्हाट हैपेंस? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। बच्चे खड़े हुए, मैम इसने मेरे को चिढ़ाया, मैम आप नहीं थी तो क्लास में ऐसे हुआ, ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी होता होगा। नॉट ओनली जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड छोड़ दीजिए कि मैम आपने जो टॉपिक पढ़ाया, सर आपने जो टॉपिक पढ़ाया वो मेरी समझ में नहीं आया, वेरी इजी प्रॉब्लम, आप उसको तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा, ओके लेट मी एक्सप्लेन आगे, ठीक है आप उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देन व्हाट अबाउट मैम उस बच्चे ने मुझे धक्का दिया, मैम ब्रेक में स्टेयर्स पे उसने मुझे पुश किया और उस लड़के ने मुझे चिढ़ाया, इस चीज को ही सॉल्व करना है आपको, इस प्रॉब्लम को समझना है। तो ये कैसे आपको हर बच्चे को जानना होगा कि क्या ये बच्चा वाकई ये काम कर सकता है, अगर कर सकता है तो थ्रू काउंसलिंग आप उसकी काउंसलिंग कीजिए, आप उसको समझाइए और इस तरह से आप अपने क्लासरूम के प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डिसिप्लिन, ऑब्वियसली डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्लास में आप एंटर करिएगा, बच्चे ने आपको ग्रीट नहीं किया, बच्चे अपना बात करने में बिजी हैं, देन फील वेरी बैड
कि बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो डिसिप्लिन आपको इनकलकेट करना होगा बच्चों में। कैसे? एक दिन और फेलिंग थी, जैसे बच्चों ने कहा कि आप एंटर करते हो क्लास में तो बच्चे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, मजाक करना शुरू करते हैं, तो यू इंटरटेन देम, आप उसको एंटरटेन करिए। लेकिन आपको ये भी बताना होगा कि जरूरत से ज्यादा अगर आप अपने टीचर के साथ रिलैक्स है, कंफर्टेबल है, देन दिस विल बी डिसरिस्पेक्ट ऑफ योर टीचर। मैं यूज करती हूँ अपनी क्लास में, सब बच्चे कहते हैं मैम आपके साथ बहुत कंफर्टेबल लगता है, इसलिए हम लोग आपसे सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिस्कस करिए बच्चों, बट यू डोंट क्रॉस योर बाउंड्रीज, यू शुड नो योर बाउंड्री। आप अपने टीचर से कंफर्टेबल रहिए, बट डोंट डिसरिस्पेक्ट देम। जो डिसिप्लिन आपको दिया गया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके स्कूल में, लाइक यू शुड बी प्रॉपर यूनिफॉर्म, यू शुड हैव डायरी एंड पेन, यू शुड हैव प्रॉपर रूटीन, उसको आप फॉलो करवाइए एट एनी कॉस्ट। जैसे दो तीन तरह से डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सकता है। पहले तो बहुत अच्छे से कंफर्टेबली उनको आप समझाइए कि नहीं, आपको इस तरह से प्रॉपर यूनिफॉर्म लेना है, यू शुड वेयर ब्लैक शूज एंड ब्लैक सॉक्स, व्हाट एवर द क्राइटेरिया गिवन बाय योर स्कूल और मैनेजमेंट, व्हाट इज यू शुड फॉलो दिस। बट अगर बच्चे नहीं कर रहे तो आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा डांटना होगा कि नहीं आपको करना ही है। अगर उससे भी बच्चे नहीं मान रहे हैं तो यू शुड गिव देम पनिशमेंट, आपको पनिशमेंट देना होगी, भाई आज तुम प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे, यू गो बैक टू योर होम, वेयर योर यूनिफॉर्म, देन यू कम टू स्कूल। तो ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर हम एक डिसिप्लिन जनरेशन थ्रू अ स्कूल और थ्रू अ फैमिली बड़ा करते थे तो क्या होता है, एक डिसिप्लिन सिटीजन बनता है जो आगे चल के अपने एडल्टहुड में जहाँ भी जाएगा, क्योंकि उसके लाइफ में हमने डिसीजन को डाला, डिसिप्लिन को डाला, तो वो डिसिप्लिन लाइफ जिएगा है। आप अपने आसपास सबको डिसिप्लिन में रहने के लिए एनकरेज करेगा। दैट इज व्हाई डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग इन योर क्लासरूम। देन आफ्टर इम्प्रूवमेंट इन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। ऑब्वियसली टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप आजकल बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। माई लास्ट पॉइंट इज एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। अभी तक मैंने जितने पॉइंट डिस्कस किए आपके साथ, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। नाउ कैन यू एबल टू से व्हाट सम लाइंस अबाउट एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च? एनीवन, कोई ऐसा है जो बता सकता है कि एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च का क्या मतलब हुआ, व्हाई चाइल्ड साइकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट? क्लास में जो होता है उसको देख कर एनालिसिस करना है, और बाद में प्रिंसिपल लिखा कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्लास और बेटर कर सकते हैं, वही एक्सपेरिमेंट रिसर्च। और कोई यस, एज मैम यू हैव मेंशनड दैट व्हेन वी एंटर इन द क्लास देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मेंटालिटीज, सो वी हैव ऑलवेज हैव द ऑप्शंस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन हिम। दिस हैज कम इन द एक्सपेरिमेंट एरिया that we have to always keep on experimenting the method through which we try to make this explain. And after doing those experimentation, then we have to find out by which of our method, by activity method, by examples method, by real life situation method, by play game method, by role play method, which method is very much connecting to that one. So from this research we have to come up, this one is correct, and we have to keep on applying this. Yes sir, your sir is very right. Experiment and research, different mentalities के बच्चों को समझाने के लिए different process चाहिए आपको, like role play and group discussions. And sometimes एक छोटा सा example मैं देना चाहूँगी कि as a science teacher, it is not necessary to go to lab continuously. आप जरूरी नहीं है कि lab में ही जाके बच्चों को समझा पाए,
sometimes to explain a simple osmosis process. आपको क्लासरूम में जैसे कुछ एक दो एग्जांपल लेना होगा. सपोज कि आप ऑस्मोसिस पढ़ा रहे हैं पूरे क्लास को. व्हाट इज ऑस्मोसिस, आपने डेफिनेशन बता दिया. यू वांट टू एक्सप्लेन, यू वांट टू शो द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. यू आई हैव सीन ऑन सम वेबसाइट कि उस टीचर ने, उस पर्टिकुलर टीचर ने क्या किया था. दो पोटैटो लिया था एंड स्कूप से उसको उन्होंने होल बनाया पोटैटो में. देन आपने क्या किया, उसने टूथपिक लगाया. अभी तो मेरे पास नहीं है पोटैटो, अदरवाइज आई विल शो, मैं दिखा देती हूँ आपको. पोटैटो के अंदर में उन्होंने स्कूप से होल किया एंड देन टूथपिक उन्होंने एंटर किया. मतलब उस पर्टिकुलर लेवल पे उन्होंने टूथपिक एंटर किया और दोनों पोटैटो को वाटर में, उसको दोनों पोटैटो को प्लेस कर लिया. देन आफ्टर इन वन पोटैटो ही फिल्स सिंपल वाटर एंड अनदर पोटैटो ही फिल्स शुगर वाटर. ठीक है. एंड ही लीव दैट एक्सपेरिमेंट फॉर 2 to 3 hours. आफ्टर सम टाइम्स किसी में आप देखेंगे लाइक जो शुगर वाला सिरप था जिस पोटैटो में, आफ्टर सम टाइम क्या होगा सर, कोई साइंस के नीचे बता सकते हैं? सिकुड़ जाएगा. या वाटर लेवल पे बताइए सर क्या होगा, वाटर लेवल क्या होगा उसका, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इसलिए कि पोटैटो का पानी है ना वो बाहर आ गया. नहीं, आपने पोटैटो को ऑलरेडी बाहर पानी इंक्रीज किया होगा. आपने जिस बोल में पोटैटो रखा है ऑलरेडी वाटर है, उतना ही रहेगा. आई डोंट थिंक उतना ही रहेगा. मेरे ख्याल से जो प्लेन वाटर है, जिस पोटैटो में आपने प्लेन वाटर दिया है, दैट नेसेसरी मींस बिकॉज बाहर भी सिंपल वाटर है एंड अंदर भी सिंपल वाटर है, सेम लेवल विल बी मेंटेन. बट इन शुगर वाला जो आपने वाटर फिल किया है, दैट लेवल विल बी चेंज्ड. क्यों चेंज होगा? क्योंकि जब भी शुगर वाटर और प्लेन वाटर का कंपैरिजन करेंगे, जब भी दोनों वाटर का कंपैरिजन करेंगे, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा? शुगर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा. तो ऑब्वियसली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ऑस्मोसिस में आपने पढ़ाया है, ये बहुत बेसिक चीज है. तो वाटर विल फ्लो थ्रू द बोल, मतलब थ्रू द पोटैटो इन द बोल, बोल में चला जाएगा. देन एज ए कंसिक्वेंसेस क्या होगा, वाटर लेवल विल डिक्रीज. ठीक है. तो ये जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको लैब में बार बार लेके जाने की जरूरत है. यू शुड डू इन योर क्लास रूम विद सिंपल प्रोसेस, दैट इज एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च. आवर नेक्स्ट टॉपिक स्कोप, चाइल्ड साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप? आप उसको करके दिखाएंगे. लाइक यू स्टार्ट क्रॉलिंग बिफोर
बॉडी और हर जो भी बच्चा है, देन क्या होगा, वो आपकी नकल करेगा। अगर वो नकल करता है दैट मींस कि ही और शी स्लो लर्नर, मतलब वो कर पा रहा है, एबिलिटी है, बट आपने उसको करके बताया था। तो हर स्टेज का डेवलपमेंट और उस स्टेज तक मैच्योरेशन है कि नहीं, ये देखना हमारा काम है। और ये चाइल्ड साइकोलॉजी बता सकता है, उसका दायरा यहाँ तक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस अपॉन डेवलपमेंट। ये तो बहुत इजी पॉइंट है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल छोटा सा देना चाहूंगी। जैसे हमारे घरों के जो बच्चे होते हैं, इन विंटर सीजन क्या करते हैं हम, उनको बहुत सारे स्वेटर जैकेट मिल्क एंड कॉफीज एंड ऑल दैट थिंग्स जो उनको प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट कि उनको कोई किसी तरह से ठंडी ना लगे। एम आई राइट? बट जो पुअर किड्स होते हैं, जो खेलते रहते हैं रोड पे, उनके पास कपड़े नहीं होते हैं पहनने को, उनके पास ऐसा कोई नहीं होता है कि आप उनकी उनके पेरेंट्स जो है उनको गर्म दूध है ऑल दैट प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस आप देखिए, क्या डिफरेंस है दोनों बच्चों में। पहला वाला जो बच्चा है, जो हमारे बच्चे हैं, वो विंटर के साथ कोप करने में उनको दिक्कत है, वो विंटर के साथ कोप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अदर फैसिलिटीज जो उनको है, जैसे वो पढ़ लिख रहे हैं और सारी जो फैसिलिटीज आपने दिए, उसका वो फायदा उठा रहे हैं। बट जो पुअर किड्स है, वो काम पे निकल रहे हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट एम क्या होता है, टू प्रोवाइड फूड टू देमसेल्फ और देयर फैमिलीज। एम आई राइट? सबसे पहला काम उनका होता है अपने फैमिली के लिए फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराना। तो उस टाइम एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस का मीनिंग ये हुआ कि हर एनवायरमेंट में बच्चे सर्वाइव कर ही जाते हैं, लेकिन किस फील्ड में कौन सा बच्चा जाएगा ये एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। लाइक पुअर किड्स जो है ना, वो उनका फोकस क्या होता है, अपने लिए फूड, अपने लिए शेल्टर, अपने लिए क्लोथ्स को पहले पाना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और हमारे बच्चों को फोकस क्या, वो सारी चीजें तो हमने प्रोवाइड करा रखी है, तो उनका काम होता है स्टडी करना। उनके उनका एक ही फोकस होता है स्टडी करना, और उस काम में अगर वो नहीं आगे बढ़ पा रहे, देन फियर एक पेरेंट्स का प्रेजेंस जरूरी हो जाता है, देखना कि बच्चे में कहाँ कमी हो गई है, एक ये भी स्कोप है। देन आफ्टर इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियसली चाइल्ड का इंटरेक्शन कैसा है सोसाइटी में, जैसे मैंने अपने बड़ों को हमेशा देखा है, उनसे बड़ों से, लाइक मैंने फादर को अपने ग्रैंड फादर से हमेशा पोलाइटली बात करते देखा है, कभी तेज आवाज में बात करते नहीं सुनी। मैं क्या करती हूँ, मैं कभी भी घर में अपने बड़ों से तेज आवाज में नहीं बात करती हूँ। गलत होने के बावजूद मेरी आवाज तेज नहीं होती, क्योंकि मैंने वही देखा। लेकिन जिन बच्चों के घर में हमेशा फाइटिंग हो रही है, जिन्होंने हमेशा फाइटिंग देखी है, मारपीट देखा है, उनके लिए ये बहुत नॉर्मल चीज है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ या सोसाइटी में मारपीट इजीली कर लेंगे, बट हमें सोचना पड़ेगा अगर कहीं कोई मैटर आता है तो हम क्या करते हैं, अरे बहुत उसको शांति से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे माहौल से आया है जिसके लिए फाइटिंग नॉर्मल है, तो क्या ही विल फाइट इजीली? ये मैटर करता है उसका सोशल इमोशनल बिहेवियर कैसा है, सोशल इंटरेक्शन कैसा है। ये चाइल्ड साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है आगे बढ़ने में। देन आफ्टर मेंटल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड। ऑब्वियसली मैंने शुरू में मेंशन किया था कि हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग होता है। कुछ बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं,
बच्चे स्लो सीखते हैं और लंबे टाइम तक याद रखते हैं। ये जो है आप चाइल्ड साइकोलॉजी के स्टडी जब आप करेंगे तो आपको पता है। अब इसमें इंप्लीमेंट आपको करना है कि आपका बच्चा इसमें से कैसा, आपकी क्लास में कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है, आपकी क्लास में कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, ये सारे बच्चों को पहचान के उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। लेना होगा इम्पैक्ट, लेते नहीं लेना होगा, सो दैट आपके क्लासरूम का एक जो डिसिप्लिन जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे और हर बच्चा आपको सुन पाए, हर बच्चा आपको समझ पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन। जैसा मैंने बताया कि आई हैव टू चिल्ड्रन टीनेजर्स, दोनों के थॉट प्रोसेस में, दोनों के बिहेवियर बहुत डिफरेंस है। अपब्रिंगिंग किसने की, मैंने की, वैल्यूज सेम किसने इनकल्केट किया, मैंने किया, स्टिल देयर इज डिफरेंस। तो जब आप यहाँ दो बच्चों की बात हो रही है, किसी किसी के बच्चे सेटल हो गए होंगे यहाँ पे, तो वो लोग अभी खुशी खुशी सुन रहे होंगे कि मेरा बच्चा तो सेटल है, अभी हम लोग उस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो हम लोग भी कभी परेशानी हमारी भी खत्म होगी। तो आपको क्लासरूम में तो बहुत उस तरह के बच्चों के साथ डील करना है, आपका तो मेहनत बहुत बढ़ जाता है, एज ए टीचर बढ़ जाता है। एज ए पेरेंट तो आप दो बच्चों में परेशान रहते हैं, एक बच्चे में परेशान रहते हैं, बट एज ए टीचर आपको डे टू डे 6 आवर्स डिफरेंट मेंटेलिटी के बच्चों के साथ डील करना है। अब आप कैसे करिएगा ये टोटली आपके स्किल पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई टीचर्स आर कॉल्ड नेशन बिल्डर्स। मैं हमेशा सुनते आई हूँ, जब मैं टीचर नहीं हुआ करती थी तब मेरे टीचर ये बोला करते थे और जब मैं टीचर हूँ तब मैं सुना करती हूँ। तो इसलिए एज ए टीचर हमारा रोल चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव टू डील विद डिफरेंट मेंटेलिटीज। नाउ ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी पेरेंटिंग, मैंने बताया पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर्स चलिए ठीक है, हम तो बच्चे हमारे पास 5 ईयर्स के हो गए तब आए, फिर हमको उनको 5-6 घंटे रखना है, उनको समझाना है, टीचिंग करानी है, ग्रुप डिस्कशन कराना, वट एवर वी डू इन क्लासरूम, बट पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स, परमिसिव, ऑथोरिटेटिव, नेग्लेक्टफुल एंड ऑथोरिटेरियन। अभी मैं सबको एक्सप्लेन करके पूछना चाहूंगी कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल ज्यादा अच्छा है। लाइक अगर परमिसिव पेरेंट की बात करते हैं, दैट टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज चाइल्ड ड्रिवन। चाइल्ड ड्रिवन का मतलब तो आपको पता हो गया होगा, बच्चों के अकॉर्डिंग माँ बाप चलते हैं, मीन्स कि बच्चों के हर डिमांड को पूरा करते हैं। दैट इज परमिसिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग, रियली गिव्स और एनफोर्सेस एनी रूल्स, मतलब उनके लिए कोई खास रूल या कोई खास बाउंड्रीज नहीं बनाते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू बिकम देयर किड्स फ्रेंड्स, वो अपने बच्चों के दोस्त बन के रहना चाहते हैं। एंड ओवर इंटरेस्ट चाइल्ड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तरह का फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए वो बच्चों के हर डिमांड को पूरा करते हैं, बच्चों के साथ लगे रहते हैं, बच्चों की अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज ऑथोरिटेटिव पेरेंट। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग की बात करते हैं, दे आर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। टुगेदर विद देयर चाइल्ड सेट्स क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन आल्सो, देन आफ्टर ओपन कम्युनिकेशन एंड नेचुरल कंसिक्वेंसेस। दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग इंक्लूड्स, जैसे उन्होंने अपने बच्चे को अलाउ किया यू गो टू द प्लेग्राउंड एंड कम बैक एट योर प्लेस बाय 4 PM, आपको 4 बजे आ जाना है, एंड दे एक्सपेक्ट कि बच्चा 4 बजे एंटर कर जाए। वो
चाहे आप गेम खेलिए, मेरे पास विद इन 15 मिनट्स टू रिटर्न माय मोबाइल, मैंने मोबाइल खेलने भी दिया बच्चे को और बच्चे से 15 मिनट्स में मोबाइल भी ले लिया। एंड देन आफ्टर ओपन कम्युनिकेशन, अपने बच्चे की प्रॉब्लम अगर बच्चा दौड़ के आता है किसी तरह से तो ओपनली कम्युनिकेट करते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या दिक्कत हो गई, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो इससे बच्चा क्या होता है, हेजिटेट नहीं करता अपने पेरेंट्स से बात करने में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप उसको इतना मौका दीजिए कि वो अगर गलत करके आया है वो भी आपसे आगे बोले कि नहीं मैंने उस बच्चे को मारा। आप इसको उतना आजादी दीजिए कम्युनिकेशन में। तो इन दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग क्या कहेंगे इसको, फ्रेंडली पेरेंट कह सकते हैं। पेरेंट हैं, फ्रेंड्स नहीं हैं। वी कांट बी फ्रेंड्स ऑफ आवर पेरेंट्स, ये कहते हैं आजकल कि हम लोग अपने बच्चों के दोस्त बन के रहना चाहते हैं। हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स ऑफ आवर पेरेंट्स, कैसे हो सकते हैं हम दोस्त, वी आर नॉट ऑफ सेम एज ग्रुप। आप अपने बच्चों के साथ क्या जोक कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ किसी भी लेवल का मजाक कर सकते हैं, कर सकते हैं आप, तो कैसे आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स हो सकते हैं। बट फ्रेंड हो सकते हैं लेकिन फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। फ्रेंड हो सकते हैं लेकिन आप फिर भी इकोनॉमी प्रॉब्लम या जो भी पैसे की फादर्स
तो उसमें रहते हैं, दे डोंट स्पेंड देयर टाइम विद देयर किड्स, ये उनकी जेन्युइन रीजन है, वो नहीं स्पेंड कर पाते हैं। समटाइम्स हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे हैं और बच्चे मेड के साथ हैं और दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर किड्स, ऐसे में बच्चे क्या फील करेंगे, लोनली फील करेंगे। एंड एट दैट टाइम मेरे बेटे ने क्या सोचा होगा कि मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, और जब आपका मूड ठीक होगा यू गो टू योर चाइल्ड एंड उसे बेटा क्या हो गया, उस टाइम तू मेरे पास आए कोई प्रॉब्लम है, देन ही विल से नो मम्मा कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने क्या किया, उस प्रॉब्लम को अपने अंदर रख लिया, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया और वो डर गया कि अगर मैं स्कूल में बोलूंगा तो टीचर्स भी चुप करा देंगे। तो उसके अंदर एक शाइनेस धीरे धीरे आते गए, उसने अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। तो नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग इज नॉट द राइट वे ऑफ पेरेंटिंग। देन आफ्टर ऑथोरिटेरियन, दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज पेरेंट ड्रिवन। पेरेंट ड्रिवन होता है जिसमें पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं उनके बच्चों के लिए क्या सही है, ठीक है, पेरेंट्स ने डिसाइड की कहाँ जाना है, दे विल स्ट्रिक्ट रूल, अगर आपको 4 बजे आना है तो आना है। अगर बच्चा आपका 4:30 में घर पे पहुंचा तो विदाउट आस्किंग देम कि कहाँ बेटे प्रॉब्लम हो गई, आप क्यों 4:30 में आए, यू स्टार्ट गिविंग पनिशमेंट, आपने पनिशमेंट दिया कि नहीं आप कल से तुम नहीं जाओगे खेलने, बिकॉज तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाए। क्या आपने पूछा कि आपका बच्चा क्यों लेट से आया, पहले आप शादी से पूछते कि बेटा मैंने आपको 4 बजे बोला था लौटने के लिए, आपको 4:30 क्यों हुआ। अगर आप पूछे होते तो शायद बच्चा बताता कि हाँ मम्मी मैं खेलने में ज़्यादा बिजी हो गया था, या मैं अपने दोस्तों के साथ बात करने लगा था, वाट एवर, वो कम्फर्टेबल होते फिर आपको वो सही रीजन दे पाते, बट आपने उसका मौका नहीं दिया, पेरेंट डिपेंड हो गया। देन वन वे कम्युनिकेशन, आपसे रूल सेट करते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं, आप उनसे पूछते नहीं हैं उनका क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनके इमोशंस को ज़्यादा आप वैल्यू नहीं करते हैं, बिकॉज आपको लगता है वो तो बच्चे हैं, हम बड़े हैं, हम जानते हैं उनका अच्छा बुरा। समटाइम्स जब भी ऑनलाइन क्लासेस में लेती हूँ, मुझे स्किल शेयर करने वगैरह में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी मेरी गड़बड़ है, तो सबटाइम्स मुझे प्रॉब्लम होती है, वो देखो कहाँ चला गया स्किल चला गया, तो बच्चे यूज टू टेल मी मैम वहाँ 3 डॉट्स हैं उसको आप प्रेस करिए, एंड आई हियर टू देम, हाँ हाँ बेटा देखो मिल गया। और समटाइम्स स्टूडेंट्स मेरे हेल्प करते हैं, तो बच्चों की बातों को सुनना चाहिए। तो अब इस 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग में आप क्या सोचते हैं, कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल ज़्यादा अच्छा है? ये तो बहुत कॉमन कहावत है कि सिर्फ इसी से अगर आपको चलना रहे तो हर कोई यही बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। समटाइम्स यू शुड बी परमिसिव, समटाइम्स यू शुड बी ऑथोरिटेरियन। व्हाई? सपोज कि आपके बच्चे को कोल्ड से प्रॉब्लम है, आपने उनको बताया है कि आइसक्रीम नहीं खाना है, यू डोंट नीड आइसक्रीम, और कहीं किसी मैरिज सेरेमनी में आप जाते हैं और आपका बच्चा देख के कह रहा मम्मा प्लीज कैन आई ईट सम आइसक्रीम, वहां पे आपका काम क्या होना चाहिए, एज ए परमिसिव पेरेंट आपको कहना होगा यस बेटा यू कैन ईट, मैं देख लूंगी जो तुम्हें होगा। एट दैट टाइम यू शुड बिहेव लाइक परमिसिव पेरेंट। वहां पे क्या होगा कि बच्चे के मन में थॉट आएगी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे एट दैट टाइम अलाउ किया था, देन आफ्टर वो क्या करेगा, वो कभी भी चोरी छुपे कोई काम करने की कोशिश नहीं करेगा कि एट सम ऑफ रीजंस माय फादर और मदर अलाउज मी। तो अब आप देखिए कि इसकी पेरेंटिंग स्टाइल में एक्सेप्ट नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग अगर बाकी करना है तो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग इज ऑब्वियसली वेरी गुड पेरेंटिंग, एंड
sometimes you should be authoritarian and you should be permissive for better development of your child. Next. From a teacher's point of view, ये तो काफी लंबा है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से चाइल्ड साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक? अ टीचर मस्ट लीड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम विद कॉशन. बहुत ही प्रिकॉशन के साथ लीड करना चाहिए. Because the characteristics of each student are different, it is therefore very important to understand the different characteristics of students as various level of growth and development. To create effective learning and efficient teaching, हर level के लिए, like अगर मैं class KG में किसी कारण से, जैसा मैम ने बोला कि अगर मैं 9th में science पढ़ा रही हूँ और मुझे किसी कारण से KG में भेजा गया, तो हमें वहाँ पे केजी टीचर की तरह बिहेव करना होगा. लाइक गेम खिलाना होगा बच्चों को, लाइक उनको ए बी सी डी लिखाना होगा. वो आप इतने बड़े बड़े थ्योरीज जानते हैं, ये बच्चे आप मैटर नहीं करेंगे, वहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है. आपको क्या करना होगा? आपको उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना होगा, क्योंकि उनका डेवलपमेंट लेवल अलग है, बहुत छोटे हैं वो, उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना होगा. आपको उनके अकॉर्डिंग अपने माइंड सेटअप को चेंज करना होगा. या घर में सपोज कि आप यहाँ पर बहुत सीनियर टीचर हैं, बहुत नॉलेज है आपको, बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है, बहुत आप इम्पोर्टेंट हैं इस स्कूल के लिए, और अगर आप घर जाते हैं और आपका छोटा सा बच्चा दौड़ के आता है, फिर आप क्या करते हैं? बच्चे को उठा के प्यार करते हैं. वहाँ आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, वहाँ आप फादर बन जाते हैं. बच्चा कहता है पापा घूमने चलना है, यू टेक योर चाइल्ड ऑन योर शोल्डर, आप घूमने लेके निकल जाते हैं. तो सेम चीज़ आपको स्कूल में भी करना है, क्योंकि बच्चे स्कूल के हों या घर के हों, बच्चे होते हैं, मैंटेलिटी सेम होती है. 5 ईयर्स से बच्चों की मैंटेलिटी क्या होगी? सेम होगी, चाहे वो घर के बच्चे हों चाहे स्कूल के बच्चे हों. मेंटेलिटी इन द सेंस कि मेंटल लेवल मैंने नहीं बताया, यहाँ पे डिफरेंस है थोड़ा सा. मेंटल लेवल मैंने नहीं बताया, मेंटेलिटी इन द सेंस कि दे वांट टू प्ले विथ यू, दे ऑलवेज वांट टू प्ले. ये चीज आपको ध्यान देना होगा, और उसके हिसाब से आपको लर्निंग एंड टीचिंग करानी होगी. चूंकि हम लोग टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, देन आफ्टर Child psychology plays an important role in helping teachers to create socio-emotional climate that is conducive in the classroom, so that process of learning in the classroom can be productive. ये सारी बहुत सारी बातें इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर ली. सपोज कि बेस्ट हम लोग जानते हैं कि बेस्ट टाइप ऑफ टीचिंग क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग. बहुत जो ने बताया है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग. अभी अभी जैसे एक बात हो रही थी कि अगर नदी की बात करेंगे या पहाड़ की बात करेंगे तो बच्चा ज़्यादा समझ पाएगा. या अगर एक्टिविटी, अगर मान लीजिए बच्चों को रन वर्ड सिखाना है, सिंपल दौड़ना, आप बच्चों को यहाँ से वहाँ दौड़ाइए, देन आपका बच्चा दौड़ के आएगा तो आपको क्या क्या कहेंगे आप? यू रन वेरी वेल, आप ये कहेंगे ना, तुम बहुत अच्छा दौड़ के आ रहे. बच्चा उस दिन क्या सीखा? रन का मतलब सीखा. तो इस तरह से, और आपके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट उसका होगा, कभी कभी क्या होता है, मैं स्कूल नहीं आती, ठीक है, बच्चे व्हाट्सएप पे कहते हैं मैम आर यू ओके. मैंने मैम को कई बार दिखाया है, बच्चों ने पूछा मैम यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल, आर यू ओके? तो ये कहाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट किया गया है. तभी बच्चों ने पूछा, नहीं तो मैं स्कूल आऊँ नहीं आऊँ, बच्चों को क्या फर्क पड़ता है, उनको तो कोई भी मेरी जगह जाके क्लास में ले लेगा. तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. तो एज ए टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. Thank you.
एज ए टीचर हमें क्या करना है, जैसे ऑनलाइन टीचिंग नाउ इज ऑनलाइन टीचिंग गोइंग ऑन और स्कूल भी अगर खुल रहा है तो भी एज ए टीचर वी आर लीडर इन आवर स्कूल। और यहाँ एक चार्ट दिया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप इन क्राइसिस। क्यों मैंने इस टॉपिक को चुना, किसी को आइडिया है मैंने ये टॉप क्राइसिस क्यों चुना इस टॉपिक? कोई विशाल सर का आया मेल,
मुझे नहीं पता मेरा इंटरेक्शन उनके साथ नहीं है कभी भी, बट इंसानियत के नाते मैं मेरे से जितना हुआ मैंने हेल्प करने की कोशिश की। इवन मैंने उनको देखा भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है वो इजी, और मैं भगवान से प्रे करती हूँ उनको जल्दी ठीक हो जाए। तो ये बात मैंने घर में अगर बताई, अपने बच्चे के सामने मैंने बताया कि ऐसे ऐसे है, तो उस टाइम मेरे बच्चे ने क्या सीखा, दूर रहते हुए किसी से जान पहचान नहीं रहते हुए भी हेल्प करना चाहिए, ह्यूमैनिज्म इंसानियत के नाते। तो एक अच्छा वैल्यू, जैसे सबने कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया है, सब घर पे बताए होंगे ऐसे ऐसे मैम, जिसके बच्चे छोटे उन्होंने सुना होगा, या हम लोग एक इंटरनेशनल क्लब से जुड़े हैं उसके थ्रू भी हम लोग हेल्प भेजते रहते हैं, तो हमारे बच्चे देख रहे हैं, तो वो इंसानियत हम उनमें दे सकते हैं। तो दूर है, जान पहचान नहीं है, फिर भी बच्चे को हमने सिखाया, ठीक है। देन आफ्टर रियलिस्ट और कोर वैल्यूज, ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। जो आज का सिचुएशन है उसके रियलिटी को समझाते हुए बच्चों को बड़ा करना और बच्चों को आगे बढ़ाना, आज की सच्चाई को जानते हुए बहुत मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि बच्चों का सोशल इमोशनल हर तरह का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसे में उनको रियलिटी बताते हुए आगे बढ़ाना ये बहुत मुश्किल है। कोर वैल्यूज, व्हाट आर कोर वैल्यूज, कोर वैल्यूज जो भी आपने बचपन में सीखा, जो भी आपने वैल्यूज सीखे अपने पेरेंट्स से, वो आपके अभी के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, और जो अभी आप अपने बच्चे को देंगे ऑनलाइन से या जो भी, वो बच्चों के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा। तो वी आर हीरोज, हम लोग हीरो हैं। इस क्राइसिस में भी तरह तरह के इनोवेशन से, तरह तरह के रियलिस्टिक वे से हम बच्चों को अपने डिसिप्लिन, अपने मैसेजेस को कन्वे करा रहे हैं। दैट्स वेयर वी आर हीरोज नाउडेज, इन क्राइसिस वी आर हीरोज। एज ए टीचर यू कैन टेल टू योर स्टूडेंट्स बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने बच्चे को खुश कर पाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में भी जस्ट जैसे बच्चे इमोशनली डिस्टर्बेड हैं, उनका फ्रेंडशिप खत्म हो गया, उनका स्कूलिंग, उनका रूटीन, हर तरह से डिस्टर्बेंस है उनके लाइफ में, उसको सबके बच्चे के प्रेस फील कर रहे हैं, बच्चों का सेल्फ स्टीम खत्म हो गया है, ऐसे में आप कुछ कुछ एक दो एक्टिविटीज से करा सकते हैं बच्चों के को दूर, उस स्ट्रेस से दूर कर सकते हैं। लाइक कि अगर आप छोटा सा चार्ट बनवाइए, डू अ क्राफ्ट, किसी भी शेप में क्राफ्ट बनाइए, एंड राइट सम पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ अच्छा लिखिए, लाइक आई एम एनफ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, ऐसे एग्जाम्पल देके आप उसे कुछ क्राफ्ट करवाइए। एंड मैनेजिंग माई इमोशन विल, लाइक बच्चे फील व्हाट स्टूडेंट्स फील, व्हाट चिल्ड्रन फील, एंड व्हाट दे नीड, क्या फील कर रहे हैं और क्या नीड है, इसका एक पाई चार्ट बनाए, तो दे विल अंडरस्टैंड कि नहीं हमें ऐसे करना चाहिए, हम ऐसा फील कर रहे हैं बट आपको ऐसा करना चाहिए। और यू कैन इस और इसको कहते हैं मैनेजिंग माय इमोशंस भी। या आप ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जस्ट यू ओपन योर ऑनलाइन क्लासेस, यू पुट सम चार्ट और कार्डबोर्ड और हार्डबोर्ड व्हाटएवर, यू ड्रॉ सम साइंस लाइक ईयर फर्स्ट हाई फाइव, एंड देन यू ज्वाइन योर स्टूडेंट, यू अलाउ टू ज्वाइन योर स्टूडेंट्स योर क्लास, दे विल बी वेरी हैप्पी। छोटे बच्चों को अगर आप क्लास ज्वाइन कराते, अगर उनके टीचर ने बोला कि हाई फाइव, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को खुश करके हम उनके साथ इंटरेक्शन अपना बढ़िया करवा सकते हैं। यस, ऑल्दो देयर आर नेगेटिव इम्पैक्ट,
बहुत निगेटिव इम्पैक्ट है, जैसा मैंने बताया बच्चों पर बहुत सारे स्ट्रेस हैं, उनका सेल्फ एस्टीम एंड ऑल थिंग्स आर डिस्टर्बेड। फिर भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो बच्चों को आप समझा के उनके मेंटल लेवल को बूस्टअप कर सकते हैं। आप समझाइए कि COVID-19 क्या हुआ अगर फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं गए, क्या हुआ अगर स्कूल नहीं जा पाए, तो उनको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बता के उनको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके उनके माइंड के ऊपर डाल सकते हैं। सपोज कि आवर पॉइंट्स आर, यू मेक देम अंडरस्टैंड कि वी हैव मोर फैमिली टाइम। देखो बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जा पाए कोई बात नहीं, हमारे फैमिली में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। जो फादर कभी अवेलेबल नहीं हुआ करते थे लंच में क्योंकि वो बिजी रहते थे बाहर, लेकिन अभी हमारे साथ खाना खा रहे थे। दिस इज पॉजिटिव पॉइंट। बच्चे भी खुश, हाँ मम्मा ने तो सही कहा, पापा तो कभी होते नहीं थे बट अभी पापा हैं, तो वी स्पेंड वेरी नाइस टाइम विद फैमिली। देन न्यू फैमिली ट्रेडिशन, कुछ कुछ फैमिलीज में जैसे घर में कुकिंग का काम चलते हैं, बच्चों को केक बेक करना बहुत मजा आया एंड ऑल दैट, उन्होंने मतलब ट्रेडिशंस देखा, उनको बचपन से सिखाया गया कि देखो ना केक अब हम लोग बाहर से नहीं मंगाएंगे, अब हम लोग घर में बेक करते हैं क्योंकि बाहर का मंगाना सेफ नहीं है, तो हमने केक बेक करना सीखा। इंक्लूडिंग आवर चिल्ड्रेन, बच्चे भी आए तो खुशी खुशी पार्टिसिपेट किया, तो एक नया ट्रेडिशन हमने शुरू किया। देन आफ्टर इंक्रीज फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ पे फोकस हुआ क्योंकि सबने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, सब हम लोग साथ में हैं, खेल रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली इंक्रीज होगा हमारा। एक्सरसाइज करें, योगा करें, सब साथ में कर रहे हैं, मम्मी बच्चे पापा सब हैं। देन आफ्टर ग्रेटर सेल्फ सफिशियंसी एंड बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेल्फ सफिशियंसी मैंने कुछ पॉइंट क्यों अराइज किया, क्योंकि COVID-19 में सबसे पहले मेड जो है वो चली गई, सबके हाउस होल्ड वर्कर जो थी वो चली गई। क्या हुआ फिर, हमने अपना काम करना खुद शुरू किया और बहुत अच्छे से किया। और देन आपने क्या किया, लाइक वॉज यू हैड डूइंग योर कुकिंग और आपने अपने बच्चे से कहा बेटा यू पुट दैट क्लॉथ इन लॉन्ड्री बैग। आपका बच्चा खुशी खुशी गया, वो कपड़ा आपका लॉन्ड्री बैग में डाल के आया, तो आपका काम हो गया, बच्चे ने एंजॉय भी किया, बच्चे ने सीखा भी, ओके आफ्टर बाथिंग आई हैव टू पुट माय क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री बैग, बच्चे ने एक अच्छी आदत भी सीखी और आपका काम भी हो गया, सेल्फ सफिशिएंसी आ गई। तो COVID-19 में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी आए, better technology skills, improved sibling bonds and practical understanding of germs। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बोल के कंक्लूड करूँगी क्योंकि लगता है टॉपिक अब थोड़ा सा बोरिंग जा रहा है, am I right? Okay. I will finish within 2 minutes. Better technology skills, obviously टेक्नोलॉजी पे ही हम चल रहे हैं, तो हमने तरह तरह का स्किल सीखा, हमने ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम वो कर पाएंगे, हमने किया, तो ये उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इम्प्रूविंग सिबलिंग बॉन्ड, भाई बहन जो बाहर बाहर हॉस्टल में रहते थे ड्यू टू COVID-19 दे केम टुगेदर फेस और उसने टाइम स्पेंड किया, तो उनकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हुई। एंड देन आफ्टर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली जो वॉशिंग योर हैंड्स विद 20 मिनट्स और धोते जाओ धोते जाओ वो वाला ऐड जो है, 13 साल स्लो है क्या, वो 20 मिनट्स वाला ऐड जो है वो हम लोगों ने अभी अपने ऊपर जो है चरितार्थ किया और बच्चों को सिखाया। तो नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई सेल्फ, दिस इज वेरी सच अ लॉन्ग टॉपिक, सो इट इज डिफिकल्ट टू कंक्लूड इन 1 आवर सेशन, बट स्टिल होपिंग दैट आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।